हाँ तो बच्चों, आज आपको हम मोल कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मोल है क्या? एक्चुअल में मोल जो होता है, जैसे हम लोग एक दर्जन अगर बोलते, एक डजन का मतलब होता है 12 आइटम। सेम वे में एक मोल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम्स हो सकता है, या मोलेक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेनली चार चीज का कैलकुलेशन होता है बेसिक लेवल पे, हायर लेवल की बात हम नहीं कर रहा। तो चार चीज का जो कैलकुलेशन होता है, उस चारों का कैलकुलेशन एक दूसरे से एकदम से लिंक है। अगर एक चीज पता हो तो बाकी तीन चीज निकाल सकते हैं। उसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूं जिसके थ्रू आप इजिली समझ सकते हो कि कैसे हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता रहे हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उस रिएक्शंस में जो कंपाउंड बनते हैं तो उस कंपाउंड का कभी कभी हमें मास निकालना पड़ता है कि जो गिवेन कंपाउंड है उसका मास क्या है, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस ये निकालना हो सकता है, या आपको दूसरा चीज निकालना हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या तीसरा चीज निकाल सकना हो सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे, एनटीपी या एसटीपी, एट एनटीपी, क्योंकि अगर हम एनटीपी एसटीपी ना रखें तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने पे उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें टेम्परेचर प्रेशर फिक्स करना जरूरी है। अब इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए सेंटर में आता है मोल, इसीलिए इस टॉपिक का हमने नाम रखा मोल कंसेप्ट। सेंटर में क्या आएगा आपका? मोल, ये नंबर ऑफ मोल, मोल कितने हैं। अब चलो भाई, तो अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस पता है तो मोल निकल सकता है, मोल पता है तो ये सब निकल सकता है। पहले हम मोल से और सब चीज निकालना बता रहे हैं। सपोज कीजिए आपको मोल पता है, ठीक है, जैसे 5 mol H2O है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो उस 5 में इसमें इंटू कर देंगे, इंटू 6.022 × 10³ से इंटू कर देंगे, ठीक है। इस नंबर से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स पता है और इंटू किए तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। अगर आपको मास निकालना है तो इधर आइए और मोलर मास से इंटू कर दीजिए, मोलर मास इससे इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको निकल जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए 6.022 × 10³ से इंटू कर दीजिए। अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम इंटू करते हैं 22.4 लीटर से। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपको मोल पता है तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये नहीं पता हो करके कोई और डाटा पता है तो हम रिटर्न भी जा सकते हैं। अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस पता है तो मास ऑफ सब्सटेंस से नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जहां इंटू कर रहे थे वहां डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 बाई मोलर मास। यहां पे क्या हो जाएगा? अगर हमको ऐसे आना है तो इसमें इंटू करेंगे 1/6.022 × 10²।
ठीक है। अगर हमको ये पता है और ऊपर जाना है तो इनटू करेंगे 1/22.4 लीटर्स, यानी जो डाटा पहले था वही डाटा 1/1 में आकर के मोल निकल जाता है। यानी मोल निकालने के लिए हम ये सब से डिवाइड करते हैं और मोल से दूसरा कुछ निकालना हो तो इनटू करते हैं, बस इस तरह से। अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल निकल गया तो ये दोनों 6.022 × 10^23 से ये फिर 22.4 लीटर से इंटू करके ये निकाल लेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, जैसे यहां पे हमने एक क्वेश्चन लिया, हमको पता है यहां 5 mol H2O। अब 5 mol H2O का अगर कोई पूछे कि मास कितना है, तो H2O का मास कितना होता है, मोलर मास, मोलर मास होगा 2 और ये 16 18, तो यानी कि मास इज इक्वल टू 5 × 18 इज इक्वल टू 90। मोलर मास से इंटू कर दिया, निकल गया। दूसरा, अगर वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 से, यानी कि 5 × 22.4 लीटर हो गया, वॉल्यूम निकल गया। अगर नंबर ऑफ मोलेक्यूल पूछे, मोलेक्यूल कितना होगा, तो 5 × 6.022 × 10^23। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी, सॉरी मोलेक्यूल भी, नंबर ऑफ मोलेक्यूल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मोल दिया हो तो, और मोलेक्यूल या वॉल्यूम या मास दिया होगा तो उसमें भी डिवाइड करके पहले मोल निकाल लेंगे, यही सब सेम चीज से डिवाइड करना है, मोलेक्यूल मोल निकल जाएगा और फिर मोल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ इस डायग्राम के बेस पे हर तरह का मोल का मोल से रिलेटेड फॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं बेसिक, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के बातें आएंगी, एड होंगी। तो बेसिक मोल कंसेप्ट में इतना ही, अगले क्लास में हम और एडवांस बातें बताएंगे, आप पोज करके इसको उतार लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।